हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हैरम स्टाइल जो चलता है पैंट में, पैंट या प्लाज़ो में हैरम जो स्टाइल चलता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। अक्सर पैंट की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, पैंट प्लाज़ो किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से इलास्टिक लगनी है या किस तरीके से बेल्ट पॉकेट, वो सारी मैंने कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हैरम स्टाइल बताऊँगा कि जो पैंट प्लाज़ो में हैरम स्टाइल होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखिए, आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस तरीके का पैंट पहले पूरी कंप्लीट कर लेनी है। कटिंग इसकी प्लाज़ो की तरह ही होती है, स्ट्रेट कटिंग करनी होती है हमने। तो आपने वो कट कर लेना है और ऊपर से पूरा रेडी कर लेना है इसको, ठीक है। क्रीज वगैरह लगा के एकदम बिल्कुल सेट कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है, देखिए। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर इसको सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। तो हम एक बार इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों इसकी लेंथ है 35 इंच, तो 35 इंच पे हम लगाएंगे निशान। ये देखिए, 35 इंच पे हमने एक निशान उठा लिया इस तरीके से, ये। उसके बाद हम इसको कर लेंगे कटिंग उसी निशान पर। अभी ये जो अंदर की साइड है दोस्तों, ये देखिए, ये पॉकेट है हमारी, तो हम इसमें से एक पल्ला उठाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जो अंदर वाली साइड है दोस्तों, इस सिलाई को आपने, क्योंकि ये हम कच्ची सिलाई लगाते हैं अंदर वाली फिलहाल, ताकि हमारी ये क्रीज लग जाए ये वाली, तो इस सिलाई को हम थोड़ा सा खोल लेंगे। इधर से भी हमने खोल लेनी है सिलाई और दूसरी वाली मोरी की भी हमने खोल लेनी है। तो ये इतना खुलने के बाद ये सीधा हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है दोस्तों, इस तरीके से। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कैसे डालनी है। तो यहाँ पर हम या आधा इंच का मार्जिन लेंगे इसमें, और ये छोटी सी प्लेट डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इसकी जो मोरी करनी है दोस्तों, वो आपने 13 इंच करनी है, क्योंकि 13 इंच से कम पैर में डलती नहीं है। इस तरीके से आपने प्लेटें डाल लेनी है इसमें। और इसको हम चेक भी करते रहना है, क्योंकि हमें जो रेडी चाहिए दोस्तों वो 13 इंच चाहिए रेडी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने डाल लेनी है प्लेट छोटी छोटी यहाँ पर, क्योंकि ये स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने थंबनेल में देख लिया भी होगा ये किस तरह का स्टाइल है। तो ये कंप्लीट करने के बाद दोनों में आपने सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसी का फैब्रिक लेना है, ये देखिए। तो ये वाला साइड वाला हम लंबा वाले साइड वाला फैब्रिक ले लेंगे, और इसमें से एक बॉर्डर लाइन निकाल लेंगे हम। तो दोस्तों ये वाली चीज़ हम इसमें से निकाल लेंगे, ये पैनल, और इतना चौड़ा ही हम इसको निकाल लेंगे, ताकि हमारा पूरा एक बॉर्डर आ जाए इस तरीके से। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो बिठाना बनाना कैसे है इसको वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कपड़े को कुछ इस तरीके से लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको आप प्रेस से भी सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको मशीन पे ही सेट करके दिखा देता हूँ, अगर आपने प्रेस यूज़ नहीं करनी तो। उसके बाद आपने इसको कर देना है इस तरीके से फोल्ड, ये देखिए।
और यहाँ पर लगा देनी है आपने सिलाई। इस तरीके से तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी शेप में। तो ये देखिए दोस्तों, ये बना ली हमने एक पट्टी पूरी की पूरी, और इसको एक पैर का मार्जिन लेके हम कर देंगे कट। तो ये इतनी लंबी पट्टी बना लेंगे मोरी के हिसाब से, जितनी भी हमें मोरी में ज़रूरत है। इसको दो कर लेंगे दोस्तों। तो ऐसी पट्टी रेडी करने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, ये जो हमने प्लेट डाली थी इसको हमने रखना उल्टी साइड से। ये देखिए, तो ये उल्टी साइड से हमने रखना है इसको, और ये जो बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर को रखना इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर लगानी सिलाई। तो ये हमने उठा के नहीं लगाना दोस्तों, इसी तरीके से हमने लगाना है। ये देखिए इसी तरीके से लगाना, बट इसकी जो सिलाई है यहाँ पर आनी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए सिलाई नीचे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इसको सीधा करना है, इस मार्जिन को इस तरीके से उठाना है, और इस पट्टी को वहीं के वहीं रख देना है इस तरीके से, और इस पे लगा देनी है हमने किनारी वाली सिलाई। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद आपने इसको कर देना है दोस्तों बंद। तो उसको हम कर लेते हैं सीधा, उल्टा कर लेते हैं यहाँ से, और उल्टी करके इसको हम लगा देंगे यहाँ पर सिलाई। तो ये जहाँ था सिलाई लगी हुई, उसी जगह पे हम इसको लगा देंगे। वापस से बंद कर देना है हमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा इसका। तो इसका जो दोस्तों लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर प्रेस लग जाएगी इस तरीके से होके। ये देखिए, और इसका जो लुक आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कॉटन में, अभी गर्मी भी आ रही है तो उसमें बड़ा ट्रेंडिंग चलता है। इसकी जो शर्ट है दोस्तों,
तो इसका जो शर्ट है वो कुछ इस प्रिंट में है, इसकी जो शर्ट है। तो इसके ऊपर हमने गले में भी इसके डिज़ाइन किया हुआ है, वो मैं किसी वजह से वीडियो बना नहीं सका। तो मैंने सोचा एक हैरम है तो आपको इसकी जानकारी दे दूँ मैं, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसे ही हमने दूसरे वाले में बनाना है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।